देखिए, यूसीसी कमेटी स्वतंत्र है कि वो अपने जैसे उनके काम पूरा होगा वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। और 5 फरवरी से 8 फरवरी तक हमने विधानसभा का सत्र बुलाया है और उसमें जो हमारे उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं जिनके लिए 10% क्षैतिज आरक्षण का विषय बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लास्ट सत्र में भी हमने उसमें प्रवर समिति के माध्यम से जो काम सौंपा गया था उसका ड्राफ्ट भी हमने अध्यक्ष विधानसभा को दिया है, तो उसको हमें सत्र में पारित करना है। जहां तक यूसीसी की बात है, सरकार कटिबद्ध है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वायदा जो चुनाव से पहले किया था उसकी कमेटी बनी, सभी लोगों से समिति ने व्यापक चर्चा की है, सभी जगह जाके उन्होंने अपनी बैठकें की है, तो हम अपेक्षा कर रहे हैं कि जल्द वो हमें रिपोर्ट देंगे। आप इसकी यूसीसी गंभीरता देखिए कि जब यूसीसी का जब कार्यकाल खत्म हुआ तो हमने उसको बढ़ाया है, इस बार भी हमने 15 दिन का उनको कार्यकाल बढ़ाया है, तो हम उम्मीद करें इसी दौरान उनका विधानसभा सत्र से पहले उनका हमें रिपोर्ट मिल जाएगी। यदि उनकी रिपोर्ट मिलती है तो हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि हम लोग सत्र से पहले कार्यमंत्रणा समिति करते हैं, तो उस कार्यमंत्रणा समिति जो है आगामी सत्र का एजेंडा तय करती है, तो हमारा पूरा प्रयास होगा यदि हमें ड्राफ्ट मिल जाता है तो यूसीसी और क्षेत्रीय आरक्षण को लेके ये दोनों विषय जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके ऊपर पूरे प्रदेश की नहीं पूरे देश की निगाहें हैं, उसको फिर हम व्यापक चर्चा के लिए इस बड़े प्लेटफॉर्म जो किसी भी प्रदेश का विधानसभा बड़ा प्लेटफॉर्म होता है वहां पे हम लाएंगे, व्यापक चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर इसे कानूनी शक्ल के लिए आगे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कॉमन सिविल कोड होता है इसको देश का न बोल के राज्य का बोले, क्योंकि असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम अपना यूसीसी उत्तराखंड को फॉलो करेंगे बट ट्राइबल कम्युनिटी को एक्सक्लूड कर देंगे, और नॉर्थ ईस्ट में इसका विरोध है, तो अगर गुजरात के लिए अलग होगा, महाराष्ट्र के लिए अलग होगा, तो ये पूरे देश का कैसे होगा, क्या इसको उत्तराखंड का ही माना जाए? देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि माननीय हरीश रावत जी उत्तराखंड के बहुत बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको जानकारी होनी चाहिए कि अभी ये ड्राफ्ट हमें मिला नहीं है, उससे पहले हम इस पे उस तरह की चर्चा नहीं कर सकते, उसमें क्या क्या चीज दी हुई है आप अभी हम कैसे चर्चा कर सकते हैं? फिर हम उसे व्यापक चर्चा के लिए विधानसभा में ला रहे हैं जो बड़ा प्लेटफॉर्म है, ऐसी स्थिति में ये राज्य का है कि देश का है, ये उस राज्य ने किया कि इस राज्य ने नहीं किया या कर रहे हैं, तो मेरा कहना है कि किसी भी अच्छे काम के लिए हमेशा कांग्रेस एक सवाल खड़े करती है। ये वही कांग्रेस है जिसने श्री राम को बताया था कि ये काल्पनिक है, जिसे राम मंदिर के लिए इसी कांग्रेस ने राम मंदिर न बने बड़े बड़े अधिवक्ताओं की फौज खड़ी की थी, लेकिन भगवान श्री राम का मंदिर बन के रहा, माने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पे और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा हुई, अड़ंगे उड़ाने में विरोध करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, तो उसी प्रकार का इनका रवैया किसी भी काम के लिए करें, लेकिन हम अपना काम करेंगे, क्योंकि हमने वायदा किया था चुनाव से पहले कि हम यूसीसी लाएंगे, हमारा ये जो देवभूमि है इसका देवत्व बना रहे, ये हमारा संकल्प भी है, हम प्रतिबद्ध भी है, हम लाएंगे, व्यापक चर्चा करेंगे। मैं इनसे आग्रह कर रहा हूं कि अपने दल से कहें व्यापक चर्चा करें, जहां उनको कोई कमी लगती है तो सुझाव दें, हम स्वीकार करेंगे। देखिए, पहले तो मैं उनका बहुत स्वागत कर रहा हूँ, मंत्री की हैसियत से भी स्वागत कर रहा हूँ, उत्तराखंड का एक नागरिक होने के नाते भी उनका स्वागत कर रहा हूँ। उत्तराखंड की संस्कृति रही है कि हम कोई भी अतिथि आता है तो स्वागत करते हैं, अतिथि देव भव, स्वाभाविक तौर से मैं उनका सम्मान भी करता हूँ, बहुत बड़े नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है किसी भी राष्ट्रीय दल के, हमारी कभी कोई मंशा नहीं रही है किसी भी राजनीतिक दल के जो कोई भी कार्यक्रम है उसमें अड़ंगा डालने की, हाँ ये स्वभाव कांग्रेस का रहा है। मुझे याद है कि जब मैं जिला अध्यक्ष था भारतीय जनता पार्टी का, अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में आए थे, यही कांग्रेस जो अड़ंगे डालती थी, अनेकों बार उसमें इन्होंने व्यवधान पैदा किया, मैं जानता हूं 1996 का उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन हम लोग उस प्रवृत्ति या प्रकृति के नहीं है। जिस परेड ग्राउंड की बात कर रहे हैं, मैंने तो इनके प्रदेश अध्यक्ष को फोन किया रात को 24 तारीख की रात को 10:05, मेरे पर रिकॉर्ड है, नहीं उठाया, 10:06 पर किया था इन्होंने फोन काट दिया,
अगले दिन मैंने इनके जिस माध्यम से मेरे पास पत्र आया था मथुरादेव जोशी, उनको फोन किया। उन्होंने कहा कि ठीक है साहब, मैंने ये भी कहा कि हमारे स्मार्ट सिटी का बड़ा काम हुआ है परेड ग्राउंड में। आज तक हमने किसी राजनीतिक दल को इस काम होने के बाद हमने किसी को दल को ये परेड ग्राउंड नहीं दिया, क्योंकि उसकी जो सुंदरता है खराब होगी। लेकिन उसके बावजूद मैंने ये किया था। उन्होंने कहा मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष से बात कर रहा हूं। नहीं, उन्होंने फोन रिंग बैक किया। इसके बाद यदि वो इस प्रकार का आरोप लगाए तो वो जाने, हम तो आज भी करें। यदि आपकी इच्छा है यार, आपके पास इतनी बड़ी शक्ति है कि उससे परेड ग्राउंड जैसे बड़े ग्राउंड में उनके बड़ी भीड़ आ सकती है, तो हम आज भी देने को तैयार हैं। आप तैयार तो होइए ना। मुझे तो लगता है उनके पास भीड़ तो है नहीं, कार्यकर्ता उनके पास रहे नहीं, तो वो चाहते हैं कि इसका बहाना बनाए, छोटे जगह कार्यक्रम करें ताकि अब इतिश्री कर लें और उस छोटे से ग्राउंड में बड़ी भीड़ दिखाई दे। उस प्रकार का जो इनकी कांग्रेस की चरित्र रहा है दिखावा करने का, तो वो उस प्रकार का कर रहे हैं। लेकिन मैं आज भी कह रहा हूं कि हमारी सरकार की कोई मंशा नहीं कि हम उनका परेड ग्राउंड उनको ना दें, जबकि आज तक हमने किसी को स्मार्ट सिटी होने बन के काम होने के बाद किसी को हमने नहीं दिया, उसके बावजूद हम देने को तैयार थे। थैंक यू यार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।